2024 के चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। हर पार्टी जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके लिए कमर कस ली है। बीजेपी अलग अलग राज्यों पर फोकस कर रही है और इस लिस्ट में बिहार भी शामिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। बीजेपी ने यहां पिछले लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे दोहराने की रणनीति बना ली है और इसी के साथ सीट बंटवारे पर भी फोकस किया जा रहा है। पार्टी चिराग पासवान और पशुपति पारस को कुल 6 सीटें दे सकती है। इसके अलावा अलग अलग सहयोगियों में भी सीटों का बंटवारा किया जाएगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 2 सीटें दे सकती है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हैं। ऐसे में बीजेपी जेडीयू वाली सीटों की भरपाई अपने सहयोगियों को देकर करना चाहती है। इतना ही नहीं, बीजेपी जेडीयू में भी सेंधमारी के लिए तैयार है और करीब 6 जेडीयू के सांसद पाला बदलने को तैयार हैं। बीजेपी हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाने की कोशिश में है। ऐसे में पार्टी अपने करीब 3-4 सांसदों का टिकट भी काट सकती है, जबकि कुछ सांसदों की सीट बदली जा सकती है। बीजेपी की ओर से लगातार अपने सांसदों को अपने क्षेत्र में रहने की सलाह दी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी लगातार दिल्ली चक्कर लगा रहे सांसदों से परेशान है और उनसे उनके क्षेत्र में रहने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, अब केंद्रीय आलाकमान ने साफ कह दिया है कि बिना आधिकारिक काम के कोई भी सांसद दिल्ली में ना रहे। ऐसे सांसदों के टिकट पर ग्रहण भी लग सकता है। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें मिली थी। उस वक्त हालात अलग थे क्योंकि बीजेपी और जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 में स्थिति अलग होगी। नीतीश कुमार केंद्र पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी एनडीए में सहयोगियों को जोड़ने में जुटी है, यानी टक्कर कड़ी भी होगी और दिलचस्प भी। तो जनता किसके सिर पर जीत का सहरा बांधती है, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।